आइए अब खबर बंगाल से ही आ रही है। संदेश खाली हिंसा को लेकर सियासी संग्राम जारी है। पुलिस ने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली की ओर जाते समय हिरासत में ले लिया है। साथ ही बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर दिख रही है। संदेश खाली हिंसा को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। गांव के लोगों ने टीएमसी नेता के घर पर तोड़फोड़ की है। अजीत माइती को चप्पलों से भी पीटा। इस वक्त बंगाल में ईडी की छापेमारी चल रही है। कोलकाता हावड़ा में दो जगहों पर दो कारोबारियों के घर पर ईडी ने छापे मारे और ये छापे टीएमसी नेता शाहजहां शेख से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संवाददाता सौमित सेन गुप्ता है। सौमित, क्या हालात है वहां पर अभी, क्या अपडेट नजर आ रहा है आपको? देखिए, अभी फिर से यहाँ पे हंगामा शुरू हो गया है संदेश खाली में, क्योंकि महिलाएं वो फिर से सड़क पे आ चुकी है और आकर जो अजीत माइती जो शाहजहां के शेख के करीबी माना जाता है उनके घर पे भी अटैक कर दिया गया था, लेकिन पुलिस वहां पर थी। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लाया गया और स्थिति को काबू पाने की कोशिश किया जा रहा है। डीजीपी वो भी घटनास्थल पे पहुंच गए हैं, संदेश खाली पहुंच गए हैं फिर से, कि फिर से यहाँ पे तनाव का माहौल ना बने इसके लिए पुलिस की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। साथ ही मैं बता दूं कि एमपी लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में एक बीजेपी की एक महिला प्रतिनिधि मंडल वो यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी जाने नहीं दिया, उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और गिरफ्तार करके लाल बाजार कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर में लाया गया। बिल्कुल, तो ताजा तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले की तस्वीरें इनफैक्ट, और ताजा जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी सौमित सेन गुप्ता, धन्यवाद करेंगे इस अपडेट के लिए आपका सौमित।